मैम, साई राम, चा जीविका को चश्मा लग गया। साई राम साई राम, जीविका तो कितना बड़ा बड़ा चश्मा लगाए हुए है, क्या बात है जीविका, मैम। क्या प्रॉब्लम हो गई थी आपको, दिखाई नहीं दे रहा था, क्या नहीं हो रहा था? हम कभी कभी ना ऑनलाइन क्लासेस बाद में दो चीजें दिखती। ओके अच्छा, देखिए हम आप लोगों को जो बता रहे हैं जो कि बहुत सारे बच्चों ने जो आपको एक्टिविटी दी जाती है, प्रोजेक्ट दिया जाता है, उस प्रोजेक्ट को आप लोग कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। जो आपका सेकंड पीरियडिक होगा वो इसी तरीके का होना है, ये ध्यान रखो आप लोग। आप लोग सोच रहे हैं कि हम वो कंप्लीट नहीं करेंगे, या हमने दो प्रोजेक्ट दिए थे उसमें से एक प्रोजेक्ट आया था मेरे पास, तीन चार बच्चों का आया है एक प्रोजेक्ट, ओके। और पहला प्रोजेक्ट तो भी एक दो बच्चों का ही आया है। यदि आप लोग प्रोजेक्ट नहीं देंगे तो फिर कैसे आप लोगों का काम होगा, बताइए, फिर मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? क्योंकि आपका सेकंड जो असेसमेंट है वो इसी तरीके से होना है, सेकंड असेसमेंट इसी तरीके से होना है आपका। मैम एक्चुअली आपने प्रोजेक्ट दिया था ना, तो उस टाइम हाँ पे मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया था, मैंने आपको फोन भी किया था पर आपने उठाया नहीं। क्या बोल रहे हैं आप? मैम जो आप प्रोजेक्ट की बात कर रही है ना, हाँ आपने जिस दिन अरे वो प्रोजेक्ट के बारे में बताया था हाँ उस दिन मैं आपकी क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया था। मैम, फिर मैंने पूछने के लिए आपको फोन भी किया, बच्चों ने जब फोटो भेजी पर आपने फोन नहीं उठाया तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया प्रोजेक्ट वगैरह क्या है। अच्छा किसी बच्चे से नहीं पूछा आपने? मैम किसी बच्चे से कैसे, मतलब मैंने आपके अपने फ्रेंड्स के साथ आपने नहीं पूछा किसी से क्यों? नो मैम, मैम मुझे लगा आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगी कि ऐसे फोन किया था, मतलब अच्छा पहले तो मुझे ये बताइए, मैंने दो प्रोजेक्ट क्या क्या दिए हैं, पहले मुझे आज ये बात करनी है, कौन से दो प्रोजेक्ट दिए हैं पहले तो मुझे सारे मैंने बच्चों ने। कुछ शेप्स वाली किसी बच्चे ने फोटो भेजी थी हिंदी में ऐसे करके, कलर इसमें तो मैम हाँ व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजी थी ना किसी हाँ बच्चे ने, तो मैम वो वाला था। एक और दूसरा कौन सा था वो तो मुझे नहीं पता, अकल बढ़िया, वाला था। हाँ अकल बढ़िया भैंस के, उसको पिक्चर्स को ड्रॉ करके उसके डायलॉग्स लिखने के। अच्छा आज मैं पहले से ही बता देती हूँ कि तीसरा प्रोजेक्ट क्या है आपका। ओके बंदर बांट में आपको मुखौटे बनाना है, इसी A4 साइज पेपर को कट करके मुखौटे बनाना है, उसको कलर करना है ना, शेप आपके मुखौटे तैयार करना है। मैम, मुखौटे मीन्स सॉरी A4 साइज नहीं, वो जो शीट आती ना, एवरी शीट आती ना, उससे मैम मुखौटे मीन्स जैसे बिल्ली का मुखौटा बनाना है चेहरा। चेहरा। मैम कितने हाँ और उसमें बंदर बनाने हैं? दो बनाना है, बिल्ली और बंदर बंदर का एक बनाना है का, एक बंदर का एक बिल्ली का। ओके हाँ मैम, बोलिए। दोनों बिल्लियों का और बंदर का बनाना है मैम। दोनों बिल्लियों का नहीं, एक ही बिल्ली का, एक बिल्ली और एक बंदर, दो मुखौटे बनाना है। ओके चलिए मैम, आज हम कुछ ऐसे अलग से ही आपसे पूछना शुरू करेंगे, इसमें हम आपको मांग देंगे कि कौन, अब हम जिसका नाम बोलेंगे जो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, मतलब पिक्चर ड्रॉ करनी है क्या? पहले मुखौटे काटना है शीट से, काट के उनको कलर करना है, ओके उसमें मैम, जहां पर आंखें हैं, नाक है, मुंह है, उस जगह को होल करना है ना। वैसे ये तीन प्रोजेक्ट हो यस चुके। मैम, अब मैं क्या है, मैं नंबर देना शुरू करने वाली हूँ कि अंकित माली आ गया पूरा वो प्रेजेंट करने के लिए, मैं जरा यहाँ से वो करूँ।
क्या आप लोगों को ये सब बंद करूं? चलो मैम हाँ बोलो। काली बिल्ली और सफेद बिल्ली का भी मुखौटा बनाना है। अभ्युदय, हमने बोला है कि आपको जो भी एक बंदर का बनाना है, एक बिल्ली का बनाना है, ओके? आपको एक चाहे काली बनाओ या सफेद बनाओ, जो भी बिल्ली बनाना है, एक बिल्ली का मुखौटा बनाना है, ठीक है? ठीक है अभ्युदय मैम। क्लियर हो गया अभ्युदय? ओके चलिए यस मैम। चलिए, अब हम आपसे पूछना शुरू करेंगे कुछ चीजें। उस दिन हम आप लोगों से पूछ रहे थे, लेकिन आप लोग क्या कर रहे थे कि सब लोग एक साथ चिल्ला रहे थे, कैसे? क्योंकि वह, हाँ, क्या पाठ का नाम क्या था? अच्छा मैं नहीं बताऊंगी। हाँ हाँ गुड, क्यों जी मल और कैसे, कैस लिया, कैस और लिया। कैसे कैसा लिया। चलिए, आप लोगों ने उस पाठ को पढ़ा, आपने उस पाठ को पढ़ा, ओके, आपने उस पाठ को पढ़ा, गुड। यस मैम। अच्छा, उसमें एक मेथड है ना, किस क्या बनाने का मेथड दिया हुआ है उसमें? रोटी, गुड, रोटी रोटी बनाने बनाना। का, रोटी बनाने का मेथड दिया हुआ है, गुड। अब मुझे ये बताइए, आपने कितने बच्चे ऐसे हैं, मैं अच्छा नाम लेके बोलना शुरू करूंगी, कि बुक बंद, सारे बच्चे अपनी अपनी बुक बंद कर दो, बच्चे अपनी बुक बंद कर दो। और ये लखन साहू, आदित्य लोधा, उन्मुक्त खासर, ये सब अपना वीडियो ऑन करो, सारे बच्चे अपना वीडियो ऑन करके बैठेंगे। कोई भी बच्चा अपना ऐसा नहीं है कि वीडियो ऑन नहीं करेगा, सब बच्चे अपना वीडियो ऑन करके बैठेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम। हाँ, आराध्या भार्गव, आराध्या भार्गव, मैम हाँ उन्मुक्त बोलो, उन्मुक्त कुछ बोलो। उन्मुख हाँ का वीडियो आराध्या, ऑन है या? हाँ अभी ऑन हुआ है, अभी ऑन हुआ है, पहले नहीं था, अभी ऑन हुआ है। चलिए आराध्या, मैम। अच्छा आपने क्यूजी मल और कैसे कैसे लिया पढ़ा, आपने पार्ट रीडिंग की थी आपने? मैम थोड़ी सी की थी। आपने पीछे का पढ़ा था, आपने इसमें आप बता सकें कि रोटियां बनाने की जो मेथड दी हुई थी तो उसमें, हाँ उन्मुक्त दिख रहा है आप? हाँ, दिख रहा है। ठीक है मैम। मैम कौन से तीन, एक तो प्रोजेक्ट और कौन से एक्टिविटीज करनी है कंप्लीट? एक तो मैंने उसको कलर का बोला था, जो लेसन में कलर थे ना उन कलर को छोड़कर आपको कलर भरना है और प्लस उसमें लिखना है कोई भी शेप में, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, डायमंड, जो भी सिलेंडर, जो भी कलर, उसमें कलर लिखना था, पहचानने थे कलर। जो लेसन में आए हैं वो नहीं लेने थे और अलग से कलर लेने थे। अब दूसरा करना था, सबसे बड़ी बात है कि अभिज्ञान, ये क्या नाम है, उन्मुक्त ना आजकल, जब हमने पिछली बार क्लासेस ली थी तब उन्मुक्त कुछ गेम लेकर बैठा हुआ था, खेल रहा था, सुनता नहीं है ये। हाँ मैम, वो तो मैं भी डांटती रहती हूँ, यही बैठी रहती हूँ, पर नहीं फिर नहीं, वो उसके नहीं हाथ आता में गेम रहता है। है, उसके हाथ में कुछ गेम रहता है। दूसरा एक वो लेसन है, अकल बड़ी या बड़ी भैंस, उसको पिक्चर ड्रॉ करके उसका डायलॉग लिखना है पूरा। चलिए शिवान साहब को भी समझ में आ गया? शेप, आप जिन शेप्स की बोले हो सारे शेप तो करने स्क्वायर जो रेक्टेंगल भी शेप्स करना है, हमारा तो मेन है आपको कलर, कलर आपका होना चाहिए ना, कि कलर आप पहचान पा रहे हैं। चलिए अब हम अपना प्रश्न वापस आराध्या भार्गव के पास ले जा रहे हैं।
आराध्या भार्गव आप बता पाएंगे कि आप रोटियां बनाने का मेथड क्या है? आराध्या मैम। आप बोल बता पाएंगे क्या मेथड क्या है आपका? हाँ नो ओके। अच्छा नो आप कुछ बना आपको कुछ खाने के लिए बनाना आता है? कुछ चीज बना सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपके घर में आपके पेरेंट्स कहीं बाहर गए हुए हैं। पानी, हाँ क्या नींबू बन? पानी, नींबू नींबू पानी। पानी। अच्छा यदि आपको भूख लगेगी आपके घर में आपके पेरेंट्स नहीं है तो आप केवल नींबू पानी पीकर रह जाएंगे। बिस्किट, बिस्किट बिस्किट बना लेते हैं आप? नहीं हम नहीं। तो हमने आपको बोला है कि आपको क्या क्या बनाना आता है। आपने कभी सोचा कि हम थोड़ा सा कुछ बनाना सीखें? तो और आपने चैप्टर भी नहीं पढ़ा जिसमें रोटियां बनाने का मेथड दिया हुआ था। ओके चलिए अगला है अभ्युदय साहू। अभ्युदय साहू आप सुन रहे हैं? यस मैम। चलिए आपने पूरे पाठ को रीड किया था? कौन से लेसन मैम? कौन वो जो बंदरवाल की बात था, सा? आप तो ये बताओ आपने कोई लेसन रीड किया है क्या? कौन यस मैम। सा किया है? मैम जो बंदरवाट था ना, हाँ मैं आपको बोल अब सोचो बंदरवाड़ के बाद तो कब आऊं पाठ हो गया। कबाऊ का मैंने जो रीडिंग कराई थी मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ बेटा। मैम बुक में देख रहे उसका मैंने उस दिन आप लोगों के साथ जब मेरा मैम। क्लास हाँ कौन कल थी मैम, से पाठ की? अकल बड़ी भैंस ना, नहीं, अकल वाली भैंस। नहीं क्यूजी मल और कैसे कैस लिया वाला पार्ट था उसकी रीडिंग की थी आपने उस दिन। हम लोगों ने डिस्कस किया था बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चंस बनाए थे ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए थे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए थे हमने है ना। मैम हाँ मैम हाँ, पढ़ा था आपने? यस मैम। आपने उसमें किस चीज को बनाने के बारे में बात की गई थी? क्या चीज बनाना बताया गया था उसमें कि कैसे बनाते हैं? हाँ देखो सामने देखो किसी से बोल रोटी भाई। अब यदि आप पूछ पूछ कर मुझे मैम, बोलेंगे तो बोलने की जरूरत नहीं है आपको। रोटी तो आपको मालूम है रोटी कैसे बनाई जाती है? आप बता सकते हैं रोटी कैसे बनाई जा सकती है? चलिए यस मैम। पहले आटा निकाला, फिर नमक डाला उसमें, फिर ओके ठीक उसमें पानी डाला, फिर बूंदा, फिर उसके, फिर उसको गोले बनाए छोटे छोटे, फिर उसको बेलना स्टार्ट कर, और फिर ओके। फिर सिर्फ बेलने से रोटियां बन जाती हैं? पलट। हाँ अभी दे तवे पर रखा, फिर पलटना कर दिया। ठीक है गुड आपने बताया ठीक है गुड वेरी गुड। मैं नहीं, बताऊं अभी तो कंटिन्यू चलेगा। आदित्य लोधा। आदित्य लोधा मीटिंग में है आप? यस ओके मैम, आपने पढ़ा था पाठ? यस मैम। ओके फिर आप बता सकते हैं कि कैसे रोटियां बनाई गई थी उसमें? यस मैम, पहले बोलिए किसको? साफ करते हैं, गेहूं साफ करते हैं पहले, फिर हाँ पहले गेहूं को साफ करते हैं। चक्की वाले के पास जाते हैं, फिर
पिसवाने के लिए, ओके फिर घर लाते हैं, फिर उसमें से थोड़ा आटा निकाल कर हाँ बेल डालकर उसे भूनते हैं, फिर गुड छोटी छोटी लोई बनाकर उसे बेलते हैं, फिर ओके तवे पे सेकते हैं। चलिए। अच्छा मुझे ये बताइए, अभी तो सारे बच्चों ने ये सुन लिया है ना, सारे बच्चों ने ये सुन लिया कि रोटियां कैसे हो। अथर्व अभी सुनते हैं बेटा, आपसे भी पूछते हैं, ठीक है? ये तो सब बच्चों ने सुन लिया, अब तो सब बच्चे बता सकते हैं कि रोटियां कैसे। सबसे पहले गेहूं हम साफ करते हैं, गेहूं साफ करके हम चक्की पर ले जाते हैं, वहां से आटा पिसवाते हैं, गेहूं पिसवा कर आटा बनवाते हैं, फिर उसको परात में डालते हैं, थोड़ा सा निकाल के उसमें थोड़ा सा नमक डाल के पानी डाल के उसे अच्छे से भूनते हैं, छोटी छोटी लोइयां बनाकर फिर उसको हम सेकते हैं और हमारी रोटी तैयार हो जाती है। अब हम थोड़े से प्रश्न को बदल देते हैं, ठीक है ना? अब हम थोड़े से प्रश्न को बदलते हैं। अलीना नेक्स्ट नंबर है, अलीना, अलीना है यस नहीं? कहाँ हो अलीना आपका? अच्छा आ गए वापस, गुड। अलीना मुझे ये बताओ कि आपको क्या-क्या बनाना आता है खाने में, आप क्या बना सकते हो? यदि मैगी, मैगी, अच्छा चलिए पहले हम मैगी पूछ लेते हैं कैसे बनाते हैं, फिर हम आपसे मैगी के बारे में बात करेंगे, ठीक है? चलिए बताइए मैगी कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमने प्रश्न किया चल। पहले अपन क्या करेंगे, मैगी को लेंगे, फिर उसके बाद अब फिर अपन उबलते पानी में अपन उसको डाल देंगे। नहीं, अलीना अपन शब्द प्रयोग नहीं करते हम, या मैं इस तरीके, मैं मैगी को लूंगी ऐसे करके, अपन शब्द का प्रयोग नहीं करते, ठीक है ना अलीना? ओके मैम, या ठीक है चलिए ओके बताइए। पहले जो उबलता पानी है ना उसमें मैगी डालूंगी, फिर उसके बाद उसे मैगी को थोड़ा टपने देंगे, फिर उसके बाद उसमें मसाला डालेंगे मैगी का। गुड, हमने पूछा कि मैगी कैसे बननी चाहिए, ओके? अब हमारा अगला प्रश्न लीना से ही है, मैगी, क्या मैगी खानी चाहिए? नो मैम, अच्छा कितने लोग हैं जो मैगी खाते हैं? देखो मेरे प्रश्न आ रहे हैं, क्या, कितने, प्रश्न करने का तरीका आप देख रहे हो ना, किसी भी चीज से अलग अलग प्रश्न हम कर रहे हैं ना, ये प्रश्न पता मैं क्यों कर रही हूँ, क्यों आ गया? कितने कितने लोग हैं जिनको मैगी बहुत पसंद है, बहुत पसंद है मैगी? मैम मैं ओके चलिए, कभी कभी हम खाने में, एक बार भी खाता हूँ गुड वेरी गुड। हाँ बोलिए, हाँ मैम, सारी खाने मैम मुझे पूरी बनाना भी मैम आता किसको बोला है। हाँ अनिरुद्ध, आप कुछ बोल रहे थे अनिरुद्ध, अनिरुद्ध मैम, हमारी बहन को भी मैगी बहुत पसंद है और पास्ता। मैम हमको भी मैगी और पास्ता बहुत पसंद है। मैम मुझे ओके पूरी बनाना भी आता है। मैम अलीना मैं अभी बात करती हूँ, बात करती हूँ। हाँ बोलो अभी मैगी पास्ता भी बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा, क्या मैगी और पास्ता और इनको कितना मात्रा में खा, कितनी मात्रा में खानी चाहिए? प्रश्न हमारा अगला है, कितनी मात्रा में खाना चाहिए? कभी कभी खाना चाहिए मैम, कभी कभी मैम, एक अच्छा नहीं, थोड़ी मात्रा में क्या मतलब मैम, महीने में एक बार कुशाग्र, कुशाग्र
मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कभी कभी से क्या मतलब, कभी कभी से क्या मतलब? मैम एक बार, मतलब कब एक बार? दिन में एक बार कि दो दिन में एक बार? हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार? एक बार से मतलब ये तो हो सकता है दिन में भी एक बार हो सकता है, सुबह एक बार हो सकता है। चलिए ओके, अब हमारा अगला प्रश्न जाएगा अनिरुद्र साहू। अनिरुद्र साहू आप मुझे सुन रहे हैं? अनिरुद्र ओके, चलिए अपना वीडियो ऑन करके आइए सामने, एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अनिरुद्र हाँ मुझे ये बताइए अनिरुद्र कि आप बोल रहे थे मुझे मैगी पसंद है, मुझे पास्ता पसंद है, क्यों पसंद है? मैम क्योंकि वो बहुत टेस्टी होता है। टेस्टी होता है, अच्छा अच्छा। फिर उसके बारे में आप जानते हैं कि वो किस चीज से बनता है, कैसे बनता है, उसमें क्या क्या? हाँ चलिए आप पास्ता बताइए, आप पास्ता खाते हैं तो आप ये मुझे ये बताइए पास्ता में आप क्या क्या डालते हैं? टमाटर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, मटर, हाँ ऑयल और पास्ता मसाला। ओके पास्ता, ओके चलिए सब... नहीं मैगी नहीं, मैं नहीं, नहीं, नहीं मैगी नहीं। चलिए अब बेटा अथर्वा आपका नंबर आने ही वाला है, अभी नेक्स्ट नंबर अनीश का है, मैं क्रम से लूंगी ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना अनीश? यस मैम। आपको पता है आपने कहीं पर कभी कुछ पढ़ा है क्या कि हमारे लिए मैगी और ये पास्ता ये सब चीजें क्यों हार्मफुल होते हैं, पढ़ा है क्या? या क्यों हार्मफुल होते हैं, पढ़ा है क्या? मैगी नहीं पढ़ा। ओके आपको क्या क्या बनाना आता है? कुछ भी नहीं। कुछ भी बनाना नहीं आता है आपने? हाँ। पाठ पढ़ा था, पाठ पढ़ा था आपने? उसने उसने उसमें आपने देखा था कि रोटियां कैसे बनाई जाती? अच्छा आपने कभी अपनी हाँ। अपनी मम्मी को रोटी बनाते हुए देखा है? हाँ। तो कैसे बनाती है वो जरा बताओ, पाठ का छोड़ो आपकी मम्मी कैसे बनाती है वो बताओ मुझे। पहले आटा लेती है, ओके, फिर उसमें पानी डालती है। ओके कितना पानी डालना पड़ता है? बहुत सारा, कुछ उसका कुछ थोड़ा सा मेजरमेंट होता है कि कुछ ऐसे ही? मेजरमेंट। ओके चलिए फिर क्या करती है आपकी मम्मी? फिर उसे गूंदती है। ओके फिर उसके छोटे छोटे गोले बनाती है। अच्छा तो उसे बेलती है, फिर तवे पर सेकती है। अच्छा आपको रोटी ज्यादा पसंद है कि पास्ता और मैगी? रोटी। रोटी पसंद है, गुड वेरी गुड। आप रोटी ज्यादा पसंद क्यों करते हैं? अब मेरा अगला प्रश्न है क्यों करते हैं, पास्ता मैगी क्यों नहीं? पास्ता मैगी का से सेहत अच्छी नहीं होती है, हमारे लिए हार्मफुल होती है ना? अभी आपको पता चला। अगला है अंकित माली, अंकित माली, अंकित माली मुझे सुन रहे हैं आप? अंकित अच्छा नहीं सुन, कोई बात नहीं,
अब चलते हैं हम आगे। कौन है? आराध्या राठौर। आराध्या राठौर, आराध्या राठौर, चलो उनका भी नहीं। अथर्व, अथर्व आप मुझे सुन रहे हैं? इतनी देर से आप बोल रहे थे अथर्व। अथर्व अब आपका टर्न है, मुझे लगता है अथर्व नहीं है। ओके नेक्स्ट है हमारा भव्यांश बुनकर। भव्यांश बुनकर, भव्यांश आप मुझे सुन रहे हैं? बोल रहे हैं मैम। हाँ भव्यांश आप मुझे सुन रहे हैं? ओके आपको क्या बनाना आता है खाने की चीजों में? मैम मैगी। मैगी आती है बस? ओके और मैम लेमन जूस। अच्छा लेमन जूस आता है। अच्छा और रोटी आपने? हाँ वो तो हम सब देख रहे हैं कि आपकी एक्टिविटी चल रही है, उसमें ये सब बना रहे हैं आप। अच्छा है, बढ़िया है। चलिए अब आपका नेक्स्ट आता है चिन्मय। चिन्मय मैम आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। उन्मुक्त आपकी आवाज आ रही है? आप अपना माइक म्यूट करो बेटा, कुछ आवाजें आ रही है। Yes, ma'am. चिन्मय हाँ आपको क्या बनाना आता है? मैम मेरे को रोटी आती है और मैगी और पास्ता आता है। मैगी और पास्ता बनाना आता है? Yes, ma'am. आपको मैगी पास्ता बहुत पसंद है क्या? हाँ। अच्छा ये बताइए मैगी और पास्ता क्यों पसंद है आपको? क्या वो आपके लिए अच्छा है क्या, आपकी सेहत के लिए? नहीं पर वो बहुत टेस्टी लगता है क्योंकि उसमें सॉस डाला हुआ होता है। अच्छा चलो मुझे याद आया कि शिवांश आप अपना माइक म्यूट करो। चिन्मय सॉस में जब आप सॉस खाते हैं तो आपको पता है कि उनमें से किन किन चीजों का टेस्ट आता है? आपको लगता है उसमें क्या क्या पड़ा हुआ है? सॉस में कौन कौन सी सामग्री है, कौन सी खाद्य सामग्री है, पड़ा है पता है आपको? मैम हमें तो सॉस पसंद ही नहीं है। मैम टमाटर और पानी। टमाटर और पानी का बस इतना ही स्वाद आता है सॉस में? और किस किस का स्वाद आता है? और थोड़ी सी शक्कर। शक्कर का भी स्वाद आता है? और किसका स्वाद आता है? बस यही आता है। तो पानी शक्कर और टमाटर। हाँ। तो आप मार्केट का सॉस खाते हैं कि पानी शक्कर टमाटर बनाकर खाते हैं? नहीं मैं मार्केट का सॉस खाता हूँ। मार्केट का खाते हैं? मार्केट का क्यों लेते हो? हाँ। टेस्ट आपको घर में आ जाएगा? वो आता है घर में टेस्ट? हाँ। चल क्या इतना सारा सॉस खाना चाहिए क्या? मैगी पास्ता सॉस? नहीं नहीं मैम हमें तो सॉस ही पसंद नहीं है। ओके गुड। चलिए आपने पाठ पढ़ा था उसमें आपने रोटी बनाने का तरीका सीखा था? यस मैम। यथार्थ में उससे बात कर रही थी अभी चिन्मय से। अच्छा अगला है देवांशी जैन। देवांशी जैन। Yes, ma'am. हाँ बताइए आप इतने सारे बच्चों ने जो बातें की हैं तो उसमें से मुझे किसी भी दो बच्चों के ऐसे नाम बताइए जिनको एक एक ऐसा बच्चा जिसको सॉस पसंद नहीं है, एक ऐसा बच्चा जिसको पास्ता मैगी बहुत पसंद है। बताइए कोई दो बच्चों के नाम। एक बच्चे ने बोला था कि मुझे सॉस पसंद नहीं है, एक बच्चा बोला
मुझे मैगी पास्ता बहुत पसंद है। बताओ दो बच्चों के नाम, बता पाओगे देवांशी? नो मैम। ओके, उन्मुक्त बोल रहा है कि उन्मुक्त बोल रहा है कि मैं बता दूंगा। अभी देवांशी आपसे बात करते हैं, ये वाले आंसर लेने इस वाले प्रश्न का। उन्मुक्त बताइए। मैम चिन्मय। चिन्मय को क्या पसंद है, ना पसंद है? चिन्मय, मैम चिन्मय को पसंद है पास्ता मैगी। ओके, सॉस किसे पसंद नहीं है बता पाओगे? किस बच्चे ने बोला था मुझे सॉस पसंद नहीं? मैम यथार्थ। गुड, वेरी गुड। अच्छा देवांशी, मैं वापस आपके पास आ रही हूँ। आपको क्या क्या चीजें बनानी आती हैं? पूरी। पूरी बना लेते हो आप? यस मैम, और पराठा भी। आटा आटा गूंद लेते हो आप? यस मैम। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ देवांशी, आपने पाठ पढ़ा था? यस मैम। उसमें आटा को गूंदने की जगह किसी और एक शब्द का प्रयोग हुआ था, किस शब्द का प्रयोग हुआ था उसमें? यदि आपने पाठ पढ़ा है तो आप बता पाएंगे कि गूंदने की जगह कोई अलग शब्द का इस्तेमाल हुआ था वहां पर? नो मैम। ओके, अलीना बोल रही है कि मैं बता दूंगी। हाँ अलीना बोलो। मैम सानेंगे। हाँ सानने का प्रयोग हुआ था। चलिए मैम सानेंगे। हाँ अब अगला नाम है हमारा धैर्य वांजल। धैर्य वांजल आप मुझे सुन रहे हैं? यस मैम। अच्छा Yes, ma'am. अब मैं प्रश्न कौन कौन सी करूंगी, कौन कौन सी। अगला प्रश्न क्या, क्यों, कैसे, कितने नहीं रहेगा। अब आएगा हमारा प्रश्न कौन कौन सी। आपको कौन कौन सी सब्जियां बहुत पसंद हैं? मैम भिंडी। भिंडी, ओके। मैम आलू की। आलू की, ओके। चलिए मुझे बताइए, क्या कभी आपने कुछ सब्जियों के बारे में पढ़ा है कि इन हरी सब्जियां खाने से हमारी सेहत अच्छी रहती है, पढ़ा है आपने? नो मैम। ओके चलिए, अब नेक्स्ट हमारा है हार्दिका वास्त्री। यस मैम। अब हमारा अगला प्रश्न कब कब होगा, कब है ना। आप कब कब बाहर का खाना पसंद करते हैं? आप कब कब बाहर खाना खाते हैं? कब कब मतलब उत्सव पर, किन किन किस किस ओकेजन पर आप बाहर खाना खाते हैं? मैम वैसे तो कभी फेस्टिवल पे नहीं खाते हैं, जब पापा फ्री रहते हैं तो खाते हैं, पर करवा चौथ पे खाते हैं बाहर। बाहर खाना खाते। क्या आपको क्या बनाना आता है? मेरे को मैगी और पराठा बस। अभी मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ। अगला प्रश्न है जीविका। यस मैम। हाँ किस किस मौकों पर आपको आइसक्रीम खाना पसंद होती है, किस किस मौकों पर होती है? मैम गर्मियों में। गर्मियों में देखिए समझिए। आज जीविका तुम्हारा थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है, आपका नेटवर्क इशू हो रहा है आज। व्हाट, आपकी वॉइस नहीं आई है वैसे बोलिए। मैं ये आपका ही नेटवर्क इशू हो रहा है, मैं देख रही हूँ और सब बच्चों का पिक्चर बहुत क्लियर आ रहा है वीडियो, लेकिन आपका नहीं है। आप किस किस मौकों पर आइसक्रीम खाना पसंद करती हैं? संडे को। ओके, ये तो कब हो? संडे को बाहर ले जाते हैं पापा। ओके अच्छा, अगला है हमारा प्रश्न कवियुद्दीन। कवियुद्दीन किस नाम? हाँ कवियुद्दीन, आप किस किस के साथ अपना फेवरेट फूड शेयर करना पसंद करेंगे?
कि नहीं करेंगे? फेवरेट फूड आप शेयर करना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? और करेंगे तो किसके साथ करेंगे? मैं ना शेयर करूंगा मेरे भैया और मेरे मम्मी पापा के साथ। ओके, अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं? ना, आसपास कोई रहता ही नहीं है। हम अभी की बात नहीं कर रहे, हम तो जब स्कूल भी खुल जाते हैं तब की बात कर रहे हैं। यस मैम, स्कूल में भी। ओके, आपका फेवरेट फूड कौन सा है? लाइक रोटी। ओके, एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ओके, चलिए। एंड होममेड आइटम्स। कौन से आइटम्स? एंड होममेड आइटम्स। एंड होममेड आइटम। होममेड। होममेड। ओके ओके, चलिए। अगला है कुशाग्र गुर्जर। यस मैम। कुशाग्र, वैसे आपसे हमारी बात हो गई थी, आप मुझे बताएंगे हार्दिका ने कब कहा था कि वो बाहर खाना खाते हैं, स्पेशली स्पेशल डे? मैम करवा चौथ। ओके, और आपका करवा चौथ? हाँ, भव्यांश आपसे पूछा ही नहीं गया था। आप मैगी में कौन कौन सी वेजिटेबल्स पसंद करते हैं या विदाउट वेजिटेबल्स पसंद करते हैं? मैम मैं तो उबली खाता हूँ। वेजिटेबल्स नहीं डालते उसमें ना, सब्जियां नहीं डालते? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा वो कारण है, बहुत सारे बच्चे उसमें सब्जियां डालकर नहीं खाते, जबकि हम लोग चाहे, जैसे मैगी आप लोगों का पक्का एक फेवरेट फूड है, आप उसे खाना बहुत पसंद करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं उसमें बहुत सारी सब्जियां डाल सकते हैं जो सब्जियां आप नॉर्मली नहीं खाते हैं। ओके, चलिए अगला है लखन साहू। लखन, हाँ मुझे आप अपना वीडियो ऑन करो। मर्जी वीडियो ऑन। आप, आपको क्या क्या बनाना आता है खाने में? कुछ बनाना आता है आपको? मैम लेमन जूस। ओके, मैम पापड़। हाँ पापड़ बना लेते हो आप? नो मैम, ना लेमन जूस। ओके, चलिए ललित सैनी। ललित सैनी, ललित। यस मैम। मैम रोटी। आप रोटी बना लेते हो? यस मैम। आपको रोटी कब बनानी पड़ी? कभी भी नहीं। तो क्या लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, वही कर्तव्यता के खिलाफ कार्रवाई करने पर दुनिया भर में विरोध होने के बाद आपके यहाँ पर देखिए कितना जोर से टीवी चल रहा है। आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए, माइक म्यूट करो ललित। मोहम्मद अमान मंसूरी, मोहित अंशनी बुनकर। यस मैम। हाँ बताइए आपका फेवरेट फूड क्या है और आपको क्या क्या बनाना आता है? मैम हमें जब पापा हमें स्कूल जाते हैं तो हमें भूख लगती है, तो हम कभी कभी केक बना लेते हैं और मैम और टी। एक बार मैं सारे बच्चों से एक बार हो जाऊं, फिर मैं एक बार दो प्रश्न करूंगी आप लोगों से। पूर्ति यादव। यस मैम। यस मैम। देखना अभी अथर भी यस मैम, अमान भी यस मैम, अब तो पूर्ति के पास पहुंच गई हूँ मैं। पूर्ति। यस मैम।
अच्छा आपको कौन सा खाना पसंद है? कौन सा? मैम मुझे रोटी पसंद है। आप खाना खाते हो? यस मैम। किस किस सब्जी के साथ में? मैम जो मम्मी बनाती है उसी से ही खा लेते हैं। मुझे तो सारी सब्जियां पसंद है। गुड, वेरी गुड। अगला है सानवी ठक्कर। यस मैम। अच्छा हाँ सानवी, यदि आपको बोला जाए कि आपको लंच में एक ही खाना दे रहे हैं, सिर्फ रोज एक ही खाना जो आपका फेवरेट है, वैसे आपका फेवरेट फूड क्या है? मैं मेरा फेवरेट हाँ पराठा। पराठा और सब्जी कौन सी इसके साथ? लेडीज फिंगर की। ओके अब आपको डेली वही दे दिया जाए, डेली वही दिया जाए, आप पसंद करेंगे? यस मैम। मतलब आपको दूसरा कोई कुछ भी नहीं दिया जाए? यस मैम। कोई दूसरी चीज खाने को नहीं मिलेगी तो आप वही खाते रहेंगे? यस मैम। ओके चल। समर्थ शर्मा। समर्थ शर्मा समर्थ शर्मा ओके चलिए नेक्स्ट। शिवांश सक्सेना। यस मैम। शिवांश। Yes, ma'am. आप बोल रहे थे कि लेमन जूस के बारे में बात कर रहे थे आप ना, लेमन जूस आपने लेमन yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा और आपने कोल्ड ड्रिंक्स भी पिए हैं? मैम ज्यादा तो नहीं, एक दो बार पिए हैं। फ्रूटी माजा yes, ma'am, ये फ्रूटी बहुत स्पेशली। अच्छा आपको क्या ज्यादा अच्छा पसंद आया, लेमन जूस ज्यादा पसंद मैम मतलब कोल्ड ड्रिंक या फिर कोल्ड ड्रिंक जूस या फिर लेमन ड्रिंक? लेमन जूस हाँ लेमन क्या ज्यादा पसंद? मैम मुझे तो दोनों ही पसंद नहीं आया। दोनों ही पसंद नहीं आया? यस मैम। आपको मालूम है कि लेमन में क्या क्या वो होती है लेमन जूस लेने से? ये नो मैम। चलिए तो आप पता करके आइएगा है ना, तब आपको समझ आएगा कि लेमन जूस क्यों पसंद होना चाहिए। उन्मुक्त कासर से हमारी बात हो गई थी, उत्कर्ष चौक से। उत्कर्ष। यस मैम। हाँ बोलिए आप। कौन सी कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पसंद है? कोका कोला। अच्छा लेमन जूस घर में बनाया था आपने, आपके टीचर ने जब आपको दिया था तब? हाँ। तो वो पसंद नहीं आया? पसंद है थोड़ा थोड़ा पसंद है। आपको मालूम है कि ये जो कोका कोला और जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उनकी हमारे बॉडी में कितना हार्म पहुंचाते हैं वो मालूम है? नो मैम। ठीक है उसकी जानकारी लेना उसकी, के बाद फिर हम बात करेंगे तुमसे है ना। मैम हमें तो माजा पसंद है। यथार्थ पीछे नहीं बोलो बेटा, हम आपका नंबर आएगा तब बताना। तो अभी हम कुछ चीजों पे बात करेंगे, अभी हम कुछ कुछ चीजें बताएंगे आपको है ना मैम। हाँ बोलो समर्थ बोलो, आपको क्या आप क्या मैं ये पूछ रही हूँ आपका फेवरेट फूड क्या है? एप्पल। एप्पल पसंद है ओके। और क्या खाना पसंद करते हैं आप? मैं केला। ओके आप अगला है शिवांश हो चुका है, उन्मुक्त हो चुका है, उन्मुक्त से भी हमारी बात हो गई थी आज। या क्या मीना? यस मैम। हाँ आपने कहीं कभी भी किसी जगह पर
कोल्ड ड्रिंक्स की जो हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं इसके बारे में सुना या पढ़ा है? आपको क्या क्या बनाना आता है? यदि आपको घर में कुछ बनाने के लिए बोला जाए तो आप क्या बना सकते हैं? मैम पराठा, पोए, सब्जी और खीर। वेरी गुड। खीर भी आती है आपको बनानी? हाँ। चलिए ठीक है। अब अगला है यथार्थ गुर्जर। यस मैम। जल्दी से मुझे बताओ याज्ञा ने क्या क्या बताया था अभी, किसको क्या क्या बनाना आता है? मैम अभ्यांश। मैम खीर। खीर और उसने दो तीन चीजें बनाई थी, पूरी चीजें बताओ क्या क्या बताई थी उसने। मैम और नहीं पता। आप नहीं सुन रहे थे इसका मतलब? हाँ बोलो पूर्ति, पूर्ति बोलो। मैम पोए। हाँ रोटी। हाँ पराठा बताया था उसने, पराठा और खीर। हाँ चलिए अब देखिए, अब एक काम करेंगे, अब आपको अगले जब हमारा पीरियड हो, कल तो आपकी ईद की छुट्टी है ना, हॉलिडे है कल आपका। चलिए अब हम अगले थर्सडे को ही वापस मिलेंगे, लेकिन हमें कैसे मिलना है? आप लोगों को एक इंटरव्यू तैयार करना है, आपको किसी भी एक बच्चे के साथ इंटरव्यू करना है, ठीक है ना? कैसा इंटरव्यू करना है मैं आपको बताती हूँ, बहुत ध्यान से सुन लीजिए आप सभी लोग, कि आप लोगों को सिर्फ अपना एक किसी बच्चे को चुन लेना है। जैसे मान लीजिए अलीना ने देवयांशी को चुन लिया, ठीक है, आप देवयांशी से प्रश्न करेंगे। प्रश्न कैसे होंगे? क्यों, कैसे, कितने, कब, कहां, क्यों, और जो भी प्रश्नों की वैरायटी, किस कारण, है ना? तो सारे बच्चों को एक दूसरे के साथ इंटरव्यू करना है, और इंटरव्यू करने के बाद फिर हम कुछ प्रश्न पूछेंगे दूसरे बच्चों से। हम कुछ प्रश्न, हम आप लोगों का इंटरव्यू देखेंगे पहले कि आप लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, फिर किस बच्चे ने क्या, कौन किस बच्चे ने ये प्रश्न किया था, किस बच्चे ने ये आंसर दिया था, तो इस तरीके से एक लिसनिंग आपका टेस्ट होगा। दूसरे तरीके से भी लिसनिंग टेस्ट होगा, लेकिन ये भी एक तरीका होगा आपका लिसनिंग टेस्ट का। कुछ बच्चे किसी दूसरे से प्रश्न करेंगे, हम आते ही बराबर आपसे पूछेंगे कि आप किसके साथ में अपना इंटरव्यू ले रहे हैं। ओके, किससे प्रश्न कौन से करेंगे? मैम किस टॉपिक पर? बस मतलब किसी भी बच्चे से आप प्रश्न पूछिए, आपको क्या पसंद है, आप क्या खाना पसंद है, कोई भी उनके बारे में जानकारी लेना, ठीक है ना? इंटरव्यू होता है ना, इंटरव्यू आप लोगों ने देखा है टीवी पर कभी किसी का? यस मैम। देखा है, तो उनके बारे में पूछते हैं ना मैम। हाँ बोलिए। मैम हमने शक्तिमान का इंटरव्यू गीता से लेते हुए देखा है। किसको? मैम शक्तिमान का इंटरव्यू। हाँ देखा है ना सर, शक्तिमान का इंटरव्यू। हाँ, गीता लेती हूँ शक्तिमान का इंटरव्यू। हाँ तो ऐसे ही आपको भी ना अपने किसी फ्रेंड का इंटरव्यू लेना है। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? मैम या घर पे? मैम मेरे घर होगा। मोहितांशिनी, अब फिर से सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए ध्यान से। नेक्स्ट थर्सडे, नेक्स्ट थर्सडे आपका टेस्ट होगा, ठीक है ना? हाँ बोलो चिन्मय। मैम मेरे घर के पास कोई नहीं रहता। अरे बात तो सुनो, बात तो सुनो मेरी पहले पूरी। आप लोगों को किसी के घर जाकर नहीं लेना है, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन तैयार करके आइएगा, अपने एक पेपर पर क्वेश्चन लिख के रखिएगा, हम जब क्लास लेंगे तभी इंटरव्यू होगा। ओके मैम। तुम यहीं पर अपने फ्रेंड्स से बोल सकते हो कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। ओके, कितने बच्चे आंसर दे पाएंगे, किस बच्चे ने क्या आंसर दिया, वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर तैयार करूंगी, और मैं दूसरे बच्चे से प्रश्न पूछूंगी,
कि उसने क्या बोला था, उसने क्या प्रश्न किया था, किससे किया था, उसने क्या उत्तर दिया था। इस तरीके से मैं अलग 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 सबसे पूछूंगी। अभी किसी को डाउट है क्या? किसी को डाउट? नो मैम। सबको क्लियर हो गया कि आपको क्वेश्चन तैयार करना है अपने फ्रेंड से पूछने के लिए? ठीक है, आप अपने कुछ क्वेश्चंस बनाकर लाएंगी एक पेपर पर यहाँ पर, और क्वेश्चन बना के यहाँ पर फ्रेंड से पूछेंगी क्लास में, और वो आंसर करेगा। कोई भी किसी भी बच्चे का नाम ले सकता है, ठीक है, और वो आंसर मैं वहां पर स्पेशल मैं नोट करती जाऊंगी, फिर उसके बाद मैं पूछना शुरू करूंगी अपने प्रश्न हर एक बच्चे से। याद रहेगा आप लोगों को, इस तरीके से आपका एक लिसनिंग टेस्ट हो जाएगा। ओके यस सर। चलिए ओके साइरा गुड बाय। चलिए साइरा मैम चलो जल्दी।